आमतौर पर शांत माने जाने वाले गजराज ने वनकर्मियों के वाहन पर ही हमला कर दिया। गनीमत रही कि सभी वनकर्मी टावर पर थे। नमस्कार, देश ऑनलाइन में आपका स्वागत है। हाथी को सबसे शांत जानवरों में से एक माना जाता है, लेकिन ये तभी तक जब तक कि वह गुस्से में ना हो, क्योंकि अगर गजराज को गुस्सा आ गया तो फिर कोई भी उनके आगे नहीं टिकता, भले ही चाहे वनकर्मी ही क्यों ना हो। सोशल मीडिया पर इस तरह के तमाम वीडियोज सामने आते रहे हैं। भारतीय वन सेवा के अधिकारी परवीन कासवानहा ने ट्विटर पर एक नया वीडियो शेयर किया है जो खूब वायरल हो रहा है। कासवानहा ने वीडियो के साथ कैप्शन लिखा, ऐसा लगता है कि उसने सिर्फ मनोरंजन के लिए हमारी गाड़ी तोड़ दी। सौभाग्य से कर्मचारी टावर पर थे। जंगल का जीवन वीडियो में आप देख सकते हैं कि वनकर्मी एक गाड़ी से जंगल के बीच पहुंचे, तभी एक हाथी आ गया। ऐसा लग रहा है कि वह बेहद गुस्से में है। उसका तेवर देखते ही सभी कर्मचारी टावर पर जाकर चढ़ गए। पलटने की भी कोशिश की। हाथी आया और पहले तो उसने वाहन के दरवाजे बंद किए, फिर वाहन को पलटने की कोशिश करने लगा। अपना सिर लगाकर वह बार बार उसे टक्कर मारता दिखा ताकि वाहन उलट जाए। बगल में टावर पर मौजूद कर्मचारियों को जब लगा कि हाथी वाहन को तोड़ने ही वाला है तो उन्होंने भगाने की कोशिश की। ये देखकर हाथी वहां से उल्टे पांव भाग निकला। चंद घंटे में 50,000 बार देखा गया। वीडियो को शेयर किए चंद घंटे ही हुए हैं और अब तक 50,000 बार इसे देखा जा चुका है। 1,000 से ज्यादा लोगों के लाइक्स मिले हैं। लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। एक ने मजाक में लिखा, वह बस ये सुनिश्चित कर रहा है कि दरवाजे बंद हैं। दूसरे ने कमेंट किया, मुझे लगता है कि वाहन को उसने खिलौना समझ लिया। तीसरे ने लिखा, गजराज सिर्फ इतना संदेश दे रहे कि सुरक्षा के लिए कार के दरवाजे बंद होने चाहिए, और अंत में लापरवाही के लिए थोड़ा गुस्सा भी दिखाता है।